अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं और मैं हूं एसएन कामरे। क्या आपने कभी सोचा है करेंसी नोटों पर कायद आजम की तस्वीर क्यों होती है? अगर नहीं सोचा तो अब सोच लें और इस वीडियो में जानें कि ये सवाल आजकल तमाम सेलिब्रिटीज की जबान पर क्यों है और वो इसे ट्विटर पर क्यों शेयर कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट भी करें। अदाकारा माहिरा खान और फहद मुस्तफा की फिल्म कायद आजम जिंदाबाद की पहली झलक जारी कर दी गई है। फिल्म वाला प्रोडक्शंस के बैनर तले बनने वाली इस फिल्म का पोस्टर डायरेक्टर नबील कुरैशी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। जारी की गई ये तस्वीर बहुत जानदार और मानी खेज है, जिसे शायकीन की जानिब से खूब सराहा जा रहा है। फिल्म के पोस्टर में दीवार पर लगे फ्रेम में करेंसी नोट रबर बैंड के साथ फोल्ड हैं, जिन पर कायद आजम की तस्वीर नुमाया है। फिल्म के हदायतकार नबील कुरैशी, हीरो फहद मुस्तफा और हीरोइन मायरा खान ने भी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए यही कैप्शन लिखा कि क्या कभी सोचा है नोट पर कायद आजम की तस्वीर क्यों है। फिल्म को नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म में फहद मुस्तफा और माहिरा खान पहली बार बतौर हीरो हीरोइन एक साथ काम करेंगे। इससे कबल माहिरा खान ने फहद मुस्तफा की फिल्म एक्टर इन लॉ में खसूसी शिरकत की थी, जिसे नबील कुरैशी ने ही डायरेक्ट किया था। इस फिल्म को शोबिज, मीडिया और क्रिकेट के सितारों की जानिब से सराहा जा रहा है। अदाकारा महविश हयात, हानिया आमिर, हुमायूं सईद, फैसल कुरैशी, मोहम्मद हफीज, शुएब मलिक, वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, अहमद शहजाद, मीडिया पर्सन इकरारुल हसन, डॉक्टर शाइस्ता लोदी और दीगर की जानिब से भी ट्वीट्स में नेक तमन्नाओं का इजहार किया जा रहा है और उनकी जानिब से भी यही सवाल शेयर किया जा रहा है कि करेंसी नोटों पर कायद आजम की तस्वीर क्यों। याद रहे कि डायरेक्टर नबील कुरैशी और फिजा अली मिर्जा नामालूम अफराद, नामालूम अफराद 2, एक्टर इन लॉ और लोड वेडिंग जैसी सुपरहिट फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं। फिल्म कायद आजम जिंदाबाद की पहली झलक जारी करने से कबल डायरेक्टर नबील कुरैशी ने मदाहों को फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने से मुतालिक आगाह किया था। नबील कुरैशी ने फिल्म की शूटिंग मुकम्मल होने पर सबका शुक्रिया अदा किया और खास तौर पर DIG सिंध का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने ट्वीट की। अदाकार फहद मुस्तफा ने भी शूटिंग का हवाल मदाहों को बताने के लिए ट्विटर पर पैगाम दिया। अदाकारा माहिरा खान ने भी शूटिंग मुकम्मल होने पर फिल्म की एक झलक दिखाई। याद रहे कि फिल्म कायद आजम जिंदाबाद की कहानी एक्शन और कॉमेडी पर मबनी है, जो एक पुलिस अहलकार के किरदार के गिर्द घूमती है। उम्मीद की जा रही है कि ये फिल्म ईद उल अजहा पर रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से आगाह कीजिएगा।